हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन ब्लॉग्स। सो टुडे एट द अंबा बजाज। सो अंबा बजाज का डिफरेंट शोरूम है और यहाँ पे आज आप शूट करने वाले हैं बजाज क्यूट पे। सो भाई एक ऑटो का अपग्रेड है, तो जितने भी ऑटो चलाते हैं भाई, ऑटो अगर आप ऑटो परचेज करने की सोच रहे हो न्यू ऑटो, तो भाई ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगा कि आपको क्यूट लेना है या आपको ऑटो लेना है बजाज का जो आरी आता है। सो दोनों मेरे को लगता है सेम इंजन शेयर करते हैं, तो इसमें नियर अबाउट 200 cc का अपना इंजन आता है। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। लास्ट में इसका प्राइस, इसकी वारंटी और कितने किलोमीटर तक इसकी वारंटी, सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। तो जल्दी चलते हैं, कुछ सिनेमैटिक्स हैं उसको एंजॉय करो, फिर मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस एंड सारे फीचर्स बताता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको मिलता है और क्यों ये बेटर है ऑटो से। तो ये देख लो, ये है अपना बजाज का क्यूट। और क्यूट क्यों ना हो यार, एक तो ये इसके चार टायर, इतना छोटा सा इसका मतलब, आप देखो ना इसकी लेंथ कितनी छोटी सी लेंथ तक, किधर भी पार्क कर दो और किधर से भी इसको आप इजीली निकाल के ले आ सकते हो। और टायर्स भी अगर आप देखोगे तो उसके जो नॉर्मल ऑटो से आते हैं उससे टायर इसके बड़े हैं, और टायर बड़े होने से क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है एंड इसमें आपको फोर सस्पेंशन मिलते हैं प्रॉपर, तो उससे आपकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। और जो आपका पैसेंजर, अगर आप पैसेंजर उठा के ले जा रहे हो, तो वो आपका एक अच्छा पे भी करेगा एंड सेम वाइज आपको इसमें एक अच्छा राइड क्वालिटी विद कंफर्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पूरे दिन ड्राइव करना है, आपको उसको अर्न करना है इससे, तो पूरे दिन आप इसमें एक अच्छी राइड क्वालिटी भी आपको मिलेगी और आपको उसमें थकान बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप इसको लेके निकलोगे तो आपको बिल्कुल कार वाली फील मिलने वाली है। सो इट्स नॉट, इट्स अ ऑटो विद अ लाइक बजाज क्यूट इज लाइक अ विद अ ऑटो इंजन। सो ऑटो का इंजन बोल सकते हैं, रीट्यून रीडिफाइंड एक ऑटो इंजन के साथ आपको ये फोर टायर के साथ मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है इसका, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा। एंड सेट आगे से देखो, यहाँ पे इसकी दो हेडलैम्प, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलने वाला है। सो ये आपको देखो, यहाँ पे ये आपकी हेलोजन हेडलैम्प मिलने वाली है विद, यहाँ पे छोटी सी पायलट लैम्प भी दी हुई है, ये भी हेलोजन मिलेगी विद हेलोजन इंडिकेटर्स। एंड सराउंडिंग में आपको पूरा ये मतलब मैट ब्लैक फिनिश में आपको पूरा इसका सराउंडिंग मिलने वाली है, जो इसकी लाइट्स को थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। एंड इन द सेंटर इफ़ यू विल सी द बजाज क्यूट लोगो, सो बहुत ब्यूटीफुल था बजाज क्यूट का यहाँ लोगो मिल जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया सा। एंड इस साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको फिर से एक इसकी हेडलैम्प मिल जाएगी सेम। एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फॉर हायर, यहाँ बजाज पहले से ये ग्राफिक्स आपको इसमें लगा के देख रहा है, क्योंकि ये जो अपनी बजाज क्यूट है, दिस इज़ ए कमर्शियल व्हीकल, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल व्हीकल। सो ये कमर्शियल व्हीकल है, तो ऑब्वियसली इसको हायर करेंगे लोग फॉर दिस सिटी राइड्स, तो उसके लिए यहाँ पे पहले से ग्राफिक्स मिल रहा है, आपको कुछ भी इसमें करवाने की जरूरत नहीं आफ्टर मार्केट। एंड बात करें यहाँ पे, तो ये पार्ट देखो, ये आपका मेटालिक मिलने वाला है, बट आपको जो ये बूट वाला ये वाला पार्ट है, ये आपको फाइबर का मिलने वाला है। सो बूट स्पेस की भी बात करेंगे बाद में, पहले बात करते हैं इसमें फ्रंट बम्पर की। तो फ्रंट बम्पर आपको पूरा मैट ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है, ये आपको थोड़ा सा आपको ट्विन शेड में रहने वाला है, आपकी बॉडी येलो एंड बम्पर आपका थोड़ा सा मैट ब्लैक फिनिश। तो मैट ब्लैक फिनिश को आपको ऐसे ही अच्छा रखने के लिए आपको उसको पॉलिश करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, अगर अदरवाइज ये फेड होने के चांसेज रहते हैं। और अगर इफ़ यू फ्रॉम द बैंगलोर, तो बैंगलोर में यार इतनी बारिश होती है कि आपको उसमें थोड़ा सा केयर तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये आपको पूरा फ्रंट बम्पर मिल जाएगा, जिसमें यहाँ सेंटर में आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगेगी ये, देख लो किस इस तरीके से लुक आने वाली है। और यहाँ पे देख लो, ये बड़ी से आपको पूरी फ्रंट विंडशील्ड मिल जाएगी, यहाँ पे सीएनजी का आपको ये मिल जाएगा स्टिकर, एंड यहाँ पे ये क्यूट का क्यूब बड़ा सा मिल जाएगा इधर, सो ये आप देख सकते हैं। एंड दिस साइड इफ यू विल सी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाइपर, तो सिंगल वाइपर है, सिंगल वाइपर इनफ है इसकी पूरा क्लीन करने के लिए। सो ये सारे अपडेट्स हैं जो उसमें देखो, फ्रंट विंडशील्ड है और इसमें बारिश है, बंदा पूरा बचेगा, इसमें बारिश का पानी अंदर आएगा नहीं, तो ये ऐसी काफ़ी अच्छी बात है। और बात करते हैं अभी बूट की, तो इसमें फ्रंट में आपको यहाँ पे बूट मिलने वाला है, तो इसको ओपन कर लेते हैं अपने बूट को। तो ये अपना बूट हो गया, हमने ओपन कर लिया। सो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा बूट मिल रहा है, 200 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके अंदर। सो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, इसमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं पैसेंजर का, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये पूरा रबड़ वगैरह भी दिया हुआ है, जिससे कि आपका जो वाटर है, रेन वाटर कोई भी अंदर ना जाए। एंड यहाँ से पूरा इसकी ये जो
वाइपर का जो फ्लूड होता है उसका यहाँ से आपको ये पाइप दिया हुआ है, बाकी फ्लूड यहाँ से फुल कर सकते हैं, वाटर का फ्लूड जो यहाँ पे है, बाकी सीएनजी का जो आपके प्रेशर कितना है वो यहाँ दिखाएगा, एंड सीएनजी रिफ़िल करने का ऑप्शन जो आपको मैं दिखा देता हूँ, सो सीएनजी रिफ़िल करने का ऑप्शन यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से अपनी सीएनजी को आप रिफ़िल कर सकते हैं। तो इसको अभी कर देते हैं बंद, ये हो गया बंद। और ये देखोगे तो ये अपनी कुछ की मिलने वाली कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख लो क्यूट, यहाँ पे भी क्यूट, तो यहाँ पे आपको क्यूट की ये बैजिंग मिल जाएगी इसमें की पे, और की अच्छी बनाई है थोड़ी सी, मतलब लगता है कि हाँ भाई कार वाली फील आती है की के, बिल्कुल ऑटो वाली की नहीं थी इसके अंदर। एंड साइड से देखोगे तो साइड से कुछ आपको इस तरीके से पूरा लुक मिलने वाला है आपको अपने बजाज क्यूट का। सबसे पहले बात करते हैं इसमें टायर्स की, टायर्स प्रोफाइल की, सो ये आपको टायर्स मिलने वाले हैं इसमें, आपको बिल्कुल स्टील रिम्स मिलने वाले हैं इसमें, ऐसे अलॉय का ऑप्शन, अलॉय वगैरह तो इसमें नहीं है, बट आफ्टर मार्केट बहुत लोग कुछ भी करवा सकते हैं तो इसमें भी आप अलॉय डलवा सकते हैं, क्योंकि इसमें देख लो प्रॉपर जो कार्स के आते हैं जैसे मारुति 800 के अंदर आता है आपने देखा होगा, तो वो वाले प्रॉपर साइज़ के आपको इसमें व्हील्स मिलने वाले हैं स्टील रिम्स, तो इसमें आप अलॉय भी डलवा सकते हैं। अच्छा मॉडिफिकेशन इसमें आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्कोप है इसमें मॉडिफिकेशन की। एंड फ्रॉम द ब्रांड इट्स में जेके टायर के, ये देख लो जेके टायर्स के टायर्स मिल जाएंगे आपको। एंड बात करते हैं इसकी जो टायर सेक्शन की, सो इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है टायर सेक्शन 185/70R12, सो 12 इंचेस का आपको टायर मिल रहे हैं और वाइड भी अच्छा मिल रहा है, वाइडनेस भी आपको देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, देख रहे हो ये देखो, तो अच्छी खासी यहाँ पे वाइडनेस मिल रही है, यहाँ देखो कितनी अच्छी वाइडनेस है, तो इससे आपकी जो ग्रिप है ऑन द रोड वो बहुत अच्छी ग्रिप होने वाली है रोड पर, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। एंड यहाँ पे आपको मड फ्लैश मिल जाएंगे, बाकी ये जो पूरी बॉडी है ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस पार्ट दिस इज़ फुल मेटलिक पार्ट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द डोर्स, सो डोर्स जो है ये अपने पूरे फाइबर के मिलने वाले, और फाइबर भी ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी का हाई क्वालिटी फाइबर है, वो बस इसलिए तो कि इसका थोड़ा सा वेट रिड्यूस हो सके, क्योंकि इसमें 200cc का इंजन आता है, सो उस इंजन के हिसाब से इसमें पावर भी मतलब पिक करनी चाहिए, सो वेट थोड़ा सा कम रखा गया है इसका। एंड यहाँ पे अपनी की से लगे अपने डोर को लॉक कर सकते हैं, ये डोर हैंडल दिया हुआ है छोटे से प्यारे से क्यूट से ब्लैक फिनिश। एंड यहाँ पे आपको ये पूरा एक ब्लैक कलर की यहाँ पे पूरी सी एक बोलते हैं ना कि छोटा सा एक यहाँ फिनिश मिल जाएगी, सेम गोज विद द रियर डोर। और बाकी स्लाइडिंग आपको इसमें मिरर्स मिल जाएंगे, ये स्लाइड वाले मिरर्स हैं इस तरीके से कुछ, सो यहाँ से आपके डोर है। एंड रियर के लिए भी आप दे सकते हो, तो रियर में भी यहाँ पे डोर हैंडल है, ये आपके स्लाइडिंग वाले मिरर मिल जाएंगे रियर में, ठीक है। और बाकी ये थोड़ा सा फिनिश के लिए यहाँ पे एक ये प्लास्टिक का पार्ट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे पूरा आपको एक रबर एक लगा के दिया है ये पूरी, जिससे कि आपके बारिश में पानी यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से ये स्लाइड होकर यहाँ चले जाए, और ये रबर आपके जो डोर्स है इसमें भी काम करेगा ताकि यहाँ से वाटर अंदर ना जाए और उसमें ऐसे इसको लीकेज ना हो। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर प्रोफाइल देखोगे तो ये है कुछ आपको रियर प्रोफाइल मिल जाएगी इसकी। सो रियर प्रोफाइल में ये आपको इसमें हेलोजन, इसमें आपको टेल लाइट मिल जाएगी, ये रिवर्स पार्किंग के टेल लाइट्स हैं, ये ब्रेक्स के लिए इंडिकेटर्स है, एंड ये सेंटर में बजाज क्यूट का लोगो है, और ये इसका पूरा विंडशील्ड है, विंडशील्ड पे यहाँ पे सीएनजी की बैजिंग है फॉर हायर यहाँ पे भी लिखा हुआ है ग्राफिक्स, एंड क्यूट का यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो देखते हैं रियर में। एंड बाकी ये पूरा आपको रियर बम्पर मिल जाएगा इसमें पूरा फुली ब्लैक कलर में। एंड अगर आपको इसका इंजन देखना है तो मैं इंजन यहाँ से दिखाया ओपन करके, तो की लगाई यहाँ से ओपन करा एंड इसका पूरा इंजन ये आ गया, तो ये आप यहाँ देख सकते, ये है इसका पूरा इंजन जो अपना है 200cc का इंजन, नियर अबाउट 10.8 BHP की पावर ये जनरेट करता है। सो ये आपको कुछ इंजन मिल जाएगा इसमें, यहाँ से अपनी आप सर्विस वगैरह कर सकते हैं इंजन पूरा ओपन करके। बाकी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इसमें ये दे रखा है रेडिएटर के लिए, तो इसमें रेडिएटर भी मिल जाता है, और कूलेंट वगैरह देखो यहाँ पे दिया हुआ ये रहा, एंड बैटरी भी यहाँ पे अंदर ही प्लेस करी हुई है, सो बैटरी भी आपकी सिक्योर है क्योंकि यहाँ से आपको सीधा ये करके लॉक कर देना है। एंड बाकी यहाँ पे ये वायर्स दे रखी है जो आपके इसको होल्ड करके रखती है, जो आपका ये बूट जो आपका मतलब कहते हैं ना इंजन के कवर को, बाकी इसको यहाँ से आप लॉक कर सकते हो ऐसे करके, तो ये सिंपल लॉक हो गया और ये पूरा हो गया अपना इंजन। तो बाकी इंजन प्रोटेक्शन के लिए आप देखोगे ना, आपको मैं बताया था कि आप सोचोगे अगर पीछे ठुक गई तो आपका तो पूरा इंजन ही डैमेज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, इंजन अगर पीछे तो यहाँ पे देख लो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे पूरा ये बार लगाया हुआ है, मेटलिक बार है जिससे आपका पूरा इंजन प्रोटेक्ट रहने वाला है, तो इंजन में आपको कोई भी नहीं आने वाला, ये पूरा मेटल का है और काफ़ी मजबूत है ये। एक्चुअली ये चेसिस का पार्ट है, तो चेसिस हमेशा हर चीज़ की स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, चेसिस में कभी भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी जाती, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इससे आपका इंजन पूरा प्रोटेक्ट रहेगा। तो इसको कर देते हैं इधर आज से लॉक, एंड यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ तो ये आपको मिल जाएगा इसमें साइलेंसर, सो इसका साइलेंसर ये नीचे दे रखा है, तो कुछ कुछ ये ना नैनो देखी थी ना, अगर आपने नैनो तो ये नैनो जैसा दिया हुआ है, पीछे इंजन है रियर में इसका नीचे में वो दिया हुआ है, बट नैनो थोड़ी सी इससे बड़ी थी, ये नैनो से भी और थोड़ा छोटा है। बाकी ये पूरी साइड प्रोफाइल तो आपने देखी ली, 12 इंचेस के टायर आपको मैंने दिखाई दिए, बाकी इसमें आप बहुत सारे अपडेट कर सकते हो, बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एंड अगर आपको रूफ़ की बात करो तो रूफ़ में देख लो आपको ऐसी लाइन मिल जाएंगी, और रूफ़ काफ़ी अच्छी खासी मजबूत रूफ़ दे रखी है, ये मत समझना कि ये कमज़ोर है, बाकी मारुति में ठोकोगे ना
तो ये भी अच्छा खासा डेंट दे देगा मारुति के अंदर, क्योंकि मारुति की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। और छोटा सा देखोगे तो यहाँ पे छोटा स्पॉइलर टाइप भी दिया हुआ है, ये यहाँ पे ब्लैक कलर में ये प्लास्टिक में थोड़ा स्पॉइलर फिनिश भी दी हुई है जो कि अच्छा लग रहा है, बट बाकी ऐसा स्पॉइलर की जरूरत नहीं होगी, उतनी अच्छी स्पीड अचीव कर नहीं पाएगा, सही दे सकते हैं आप। बाकी मैं आपको एक बार इसके इंजन साउंड और सुना देता हूँ स्टार्ट करके। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, तो ये की ले अपने पास, की को लगाते हैं यहाँ पे, पहले देख लेते हैं न्यूट्रल है भी कि नहीं। हाँ न्यूट्रल तो है, सेल्फ लेते हैं, हो गया स्टार्ट, बहुत साइलेंटली स्टार्ट हो गया। अब सुनो इसका साउंड, तो ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे बजाज क्यूट, उस तरीके से देखो थोड़ा सा ये इसका साइलेंसर हिल रहा है इधर, सिंगल सिलेंडर इसका इंजन है ये, तो सिंगल सिलेंडर है, थोड़ा सा वाइब्रेशन तो रहता ही है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, सो इंटीरियर में देखोगे तो ये इसका इंटीरियर है बजाज क्यूट का, यहाँ पे छोटा सा क्यूट का ये आपको स्टेयरिंग मिल जाएगा, बीच में क्यूट लिखा हुआ, ब्लैक कलर का पूरा स्टेयरिंग मिलने वाला है। यहाँ पे आपके इसका वॉशर के लिए दिया हुआ है और वाइपर के लिए, यहाँ पे आपके क्या कहते हैं जैसे कार में होता है सेम हेडलाइट का स्विचेस दिया हुआ है, और इधर आपका हैजार्ड का दिया हुआ है बटन ये रहा। सो यहाँ पे देखोगे हैजार्ड ऑन किया तो एज ए हैजार्ड ऐसे ऑन हो जाता है, और यहाँ से बंद कर सकते हैं, बाकी यहाँ से अपना आप चेंज कर सकते हैं पेट्रोल एंड सीएनजी पे। सो बता देता हूँ सीएनजी पे भाई ये अपनी 40 की माइलेज दे देती है जो कि बहुत ही अच्छी माइलेज है। एंड बात करें इसके मीटर की तो यहाँ पे देख लो मीटर है ये इसका, सो ये मीटर में देख लो 100 की टॉप स्पीड दे रखी है, ठीक है, तो 100 तक आप जा सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आपका ये पूरा फ्यूल दिया हुआ है, फुल फ्यूल इसके अंदर पूरा फुल है, आई थिंक ये सीएनजी का है, सीएनजी पूरा फुल करा हुआ है। एंड ये नीचे टाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पे ओडो दिया हुआ है, बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। ये देख लो ट्रिप, ये ट्रिप ए ट्रिप आ रहा है, ट्रिप एंड ओडो सिंगल ट्रिप मीटर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे इसमें ये वार्निंग लाइट से सीएनजी का आ रहा है, एंड यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, बाकी ये आपका निडल है। बाकी गेयर्स की बात करें तो ये इसमें प्यारा सा इसका गेयर लीवर मिलेगा, जिसमें गेयर्स ऊपर ऐसे फ्रंट एंड मतलब अप एंड डाउन करके गेयर्स लग जाएंगे। एंड यहाँ पे छोटा सा एक म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, जिसका स्पीकर मैं दिखा दूँ तो स्पीकर यहाँ पे दे रखा है, ये स्पीकर दिया हुआ है, बट ये ओपन दिया हुआ है, थोड़ा कवरिंग होती तो और बेटर होता। बाकी यहाँ देखोगे यहाँ पे आपका क्लच और ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, तो ये एक्सेलरेटर है, यहाँ से एक्सेलरेट कर देंगे इसको, तो ये एक्सेलरेट करते ही बंद हो गया। और मैं हाँ एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, स्टेपनी देखो तो स्टेपनी यहाँ पे दे रखी है आपको इसके अंदर, जो कि फुल अपना स्टील रिम के साथ पूरा प्रॉपर साइज़ के साथ मिलने वाला है। तो इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है जैसे कार्स कंपनी में हो जाती है, बजाज ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टोरेज मिल जाएगा, सेम स्टोरेज स्पेस आपको इधर भी मिल जाएगा, और यहाँ भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा इधर, ठीक है, जहाँ पे अपना बाइक इसका मतलब क्यूट का सफाई करते हो, उसके क्लॉथ वाटर बॉटल वो सब यहाँ रख सकते हो, यहाँ पे भी रह सकते हो आप कॉइन्स वगैरह, यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। एंड ये यहाँ देखोगे तो ये लॉक करने का सिस्टम है यहाँ पे, एंड इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे ये हैंडल दिया हुआ छोटा सा इंटीग्रेट करा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से है। और सेम अपना को ड्राइवर साइड भी है, एंड सेम इज़ फॉर पैसेंजर साइड। अभी देख लो अगर मैं सीट दिखाऊँ अपनी, तो ये सीट देख लो मैंने एडजस्ट करी हुई है, तो इजीली इसको मैं ऐसे ड्राइव कर सकता हूँ, ये मेरी पोजीशन के हिसाब से ये है। और अच्छा खासा मुझे हेडरूम भी मिल रहा है यहाँ पे, हेडरूम भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं पीछे भी चल के दिखाते हैं। और सुविधा के लिए यहाँ पे आपको फ़ैन का ये भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी मिलेगा फ़ैन का सिस्टम, ये आपका ड्राइवर एंड मतलब को ड्राइवर के लिए मिल जाएगा। और आपको पीछे ले चलते हैं, पीछे भी दिखाता हूँ। बाकी ये हैंडल मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे SOS की ये दे रखा है, कोई इमरजेंसी होती है तो इसको आप प्रेस करेंगे, सो नियर बाई पुलिस स्टेशन वगैरह में आपकी वो चले जाएगा नोटिफिकेशन। अब चलते हैं रियर की तरफ, तो रियर में डोर थोड़े से हल्के हैं क्योंकि फाइबर के डोर हैं, थोड़े से हल्के दिए हुए हैं, बट क्वालिटी ठीक है। बट देखोगे अगर मैं रियर में बैठा हूँ तो रियर में भी अच्छा खासा मेरे को लेग स्पेस यहाँ पे कितना बढ़िया लेग स्पेस मिल रहा है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलते, बट ठीक है भाई जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पे तो इतना भी ठीक है। बाकी यहाँ पे लेग स्पेस देखो कितना बढ़िया मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से जैसे मैं हूँ तो मेरे हिसाब से दो बंदे तो तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, आराम से 80-80 किलो के तीन बंदे बैठ कर सकते हैं। और अगर मोटे मोटे हैं 100-100 किलो के बंदे तो दो तो बंदे आराम से इसमें आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी यहाँ पे रियर के लिए जो अपने पैसेंजर हैं उनके लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा ये दे रखे हैं एयर वेंट्स, तो इसमें आपकी एयर आएगी जो आए कि नॉर्मल। इसमें AC वगैरह अभी नहीं दिया हुआ फॉर द टाइम बीइंग, फ्यूचर में अगर दे दे बजाज तो कोई बड़ी बात नहीं। बाकी रियर पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट है, को ड्राइवर के लिए भी सीट बेल्ट है, एंड ड्राइवर के लिए भी सीट बेल्ट यहाँ पे दे रखी है। और ये पीछे से कुछ डैशबोर्ड का ऐसे आपको व्यू मिलने वाला है,
तो हेडलैम्प मैंने ऑन छोड़ दिए, हेडलैम्प को कर देते हैं बंद, हेडलैम्प हो गया अपनी बंद। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा मिलने वाला है। अब मैं आपको हेडरूम दिखाता हूँ। सो भाई देखो हेडरूम देख रहे हो कितना अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है यार इसके अंदर, और क्या चाहिए। और मेरे यहाँ देख लो कितना स्पेस है, मैं कह रहा हूँ ना दो तीन बंदे आराम से बैठ सकते हो। तो स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है कि आप आराम से बैठ के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई कमी नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये इसकी खासियत है बजाज क्यूट की। और अब बात करते हैं इसकी मेन वर्डिक्ट, जो मेन इसका प्राइस पॉइंट है और प्राइस के हिसाब से ये लेना मतलब है भी कि नहीं है, और अगर आप ऑटो लेना चाह रहे हैं तो आपको ये क्यों लेना है, वो इस बारे में बात करते हैं। तो CNG की बात करें तो CNG देखो, तो यहाँ पे इसकी CNG का ये दे रखा है सिलेंडर, जिसमें 5.5 kg का इसमें आप गैस आ सकती है आपकी इजीली। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी हैंड ब्रेक दी हुई है, और बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें स्पेस मिल जाएगा कॉइन्स एंड वगैरह रखने के लिए। और एक ये छोटा सा इसमें रिमोट दिया हुआ है आपके म्यूज़िक प्लेयर के लिए, ताकि आप सीधा अपना यहाँ से ही अपना म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें USB FM सपोर्टेड है, ब्लूटूथ सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। ऑक्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ऑक्स और आपका मेमोरी कार्ड एंड इसमें लगा सकते हैं आप इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं मेन वर्डिक्ट की। तो भाई मेन वर्डिक्ट क्या है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं पहले बता दूँ इसका प्राइस जो है 398,000 है ऑन रोड बैंगलोर। सो ये मोस्ट अगर आप देखोगे तो 40,000 रुपीज़ के आसपास ये महंगा है, नॉर्मल बजाज एक आरी जो आता है बजाज का ऑटो उससे। तो 40,000 के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, तो चार टायर मिल रहे हैं, दूसरा फुल्ली कवर्ड मिल रहा है, दूसरा आपको माइलेज बहुत अच्छी मिल रही है, और 216cc का आपको एक इंजन मिल रहा है DTSI इंजन, ठीक है, जो कि बहुत रिफाइंड इंजन है और नियर अबाउट 10.8 BHP की पावर जनरेट कर रहा है। और आपको इसमें म्यूजिक प्लेयर मिल रहा है, और आपको ये जो पूरा कार वाली फील मिल रही है, 12 इंचेस के टायर मिल रहे हैं, तो इजीली अगर आपको छोटा बहुत पानी वानी है कि गड्ढे ज़्यादा गहरे हैं तो वहाँ भी आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप समझ रहे कि आपको कितनी ही बढ़िया चीज़ मिल रही है इसके अंदर, कि आपको कोई कमी नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और भाई आपको पूरी कार वाली फील मिल रही है, कंफर्ट मिल रहा है, कार वाले सस्पेंशन इसके अंदर इतने बड़े सस्पेंशन मिल रहे हैं चारों उसमें, तो आपको पूरा कंफर्ट जो है वो आपको कार वाला मिलेगा। चीज़ आपको मतलब पैसे आपको 40,000 रुपये देने हैं, बट आपको कार वाला कंफर्ट मिलेगा। साइज़ भी इसके अंदर काफ़ी मतलब अगर देखो ना कॉम्पैक्ट है, और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर यार, मतलब बजाज की इंजीनियरिंग को भाई सल्यूट है, भाई बजाज ने क्या काम करा है, मतलब इतना छोटा बनाया है साइज़ में, बट स्पेस, हेडरूम देखो, स्पेस देखो भाई कितना भर भर के स्पेस दिया आराम से। पीछे भी अगर आप बूट में देखोगे, जैसे नैनो में होता था कि नैनो में अगर आपको पता हो नैनो के बारे में, तो इंजन के ऊपर उन्होंने पूरा स्पेस होता था सामान रखने का पीछे बूट में भी, तो इसमें बूट में भी समा सकते हैं, फ्रंट बोनेट में भी इसमें समान रख सकते हैं। आगे 200 लीटर का इसमें बूट स्पेस दिया हुआ है फ्रंट में, तो वहाँ भी अच्छा सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट दे रखे हैं अंदर भी, मतलब देखोगे अगर आप डैशबोर्ड में, तो यहाँ भी आप सामान रख सकते हो। तो भाई बहुत ही चीज़ है, मैं आपको पर्सनली मेरी तरफ से पर्सनली रिकमेंड है, तो सेफ है ये, मतलब आपके लिए भी सेफ है, और पलटेगा नहीं, जैसे ऑटो पलट जाते हैं टायर छोटे होते हैं उनके, ये पलटेगा नहीं। ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ बनाई है बजाज ने कि अगर कल को ऑटो लोगों को पसंद नहीं आया तो आप ये ले सकते हो, और इसका सर्विस सब कुछ सेम है भाई, सेम इंजन शेयर कर रहा है, सब कुछ बहुत सस्ता मिलने वाला है आपको। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरी जो दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, जल्दी से 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो भाई लोग, आप लोगों का प्यार चाहिए। डोमिनर लेकर आएंगे, डोमिनर 400 लेकर आएंगे, बट 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, आपका कुछ जाएगा नहीं, आप करके देख लो, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला उसमें, खर्च होगा तो भाई देगा आपको, ठीक है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। आप करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बस सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ, प्यार करो। और जितने भी ऑटो लेना चाह रहे हैं, ये ऑटो लेने की सोच रहे हैं, आपकी फैमिली में है एंड अगर कहीं पे भी है, तो आप उनको वीडियो शेयर कर दो। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द बैंगलोर, यू कैन कम एंड विजिट अंबा बजाज। सो आपको डायरेक्टली यहाँ पे का नीचे आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और एक गूगल मैप का लिंक। तो बैंगलोर में है, GB पार्ले में आओ, अभी बिल्कुल फाइनलाइज करो, मेरे चैनल का नेम लेकर आओगे तो आपको अच्छा ऑफर और एक अच्छा डिस्काउंट भी ऑफर मिलेगा।